देखिए, अरेंज मैरिज जो है वो पहले कुंडली मिलने पर होती थी और अब धोखा मिलने पर। हमारे तो उसमें भी नहीं हो रही है। मैं हूं जी आरजे प्रवीण और आपका स्वागत है आखिरी एपिसोड में ऑफ स्टेडियम स्टोरीज, जहां पर आज हम जाएंगे डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और सबसे पहले आपके लिए एक क्विज, ध्यान से सुनिए इस आवाज को और पहचानिए कि ये किन की आवाज है। Still play 41% in Bangalore and Mysore on turf wickets. पहले मेरे फेवरेट बॉलर भी रह चुके हैं एक टाइम में, and I'm sure that you know you'll be able to guess. So comment section में तुरंत से पहले बताइएगा, if you are a fan of 90s cricket, then definitely आपको इनका नाम मालूम होगा। अब जी हाँ, आपको मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स बताऊंगा जो आपको याद दिलाएंगे विशाखापट्टनम के स्टेडियम के बारे में, some amazing moments that took place here at this stadium. आपको शायद डेजा वो लगे ऑफ द मैच दैट वाज जस्ट प्लेड बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, जो दिल्ली की टीम ने बहुत बुरी तरीके से हारा था मुंबई के सामने में। अब याद करते हैं 2016 की तारीख, 15 मई 2016, जब मुंबई ने स्कोर बनाया 206 और रिप्लाई में दिल्ली ने बनाए बस 126। मतलब दिल्ली का परफॉर्मेंस मुंबई के अगेंस्ट कंसिस्टेंट रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मोमेंट, 21 मई 2016, पंजाब ने स्कोर किए 172 रन और जवाब में मैच जो है वो पुणे के हाथ से फिसल ही गया था, क्योंकि 19th ओवर में उनका स्कोर था सिर्फ 150 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आखिरी ओवर में चाहिए थे 23 रन टू विन और अनहोनी करने वाले अपने धोनी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे एंड ही मेड दिस मैच मेमोरेबल फॉर एवरीवन बाय हिटिंग 6-4-6 एंड लास्ट बॉल पर एक और। तारीख थी 8 मई 2016, मुंबई की टीम कभी इस डेट को नहीं भूलेगी। हैदराबाद जो साल 2016 के चैंपियन भी रहे थे, उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किया 172 एंड मुंबई की टीम सिमट गई फॉर ओनली 92 रन्स। बट ये मैच इसलिए स्पेशल बना क्योंकि इसमें मुंबई के 8 प्लेयर्स जो हैं वो आउट हुए सिंगल डिजिट के स्कोर में, यानी कि 10 से भी कम रन बनाए थे उनके 8 खिलाड़ियों ने। सो ये थे सम अमेजिंग मोमेंट्स दैट टुक प्लेस एट द विशाखापट्टनम स्टेडियम। अभी आज के लिए, इनफैक्ट इस सीजन के लिए स्टेडियम स्टोरीज यहीं पर खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन खत्म करने से पहले एक आवाज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी, स्टिल प्ले 41% इन बैंगलोर एंड मैसूर ऑन टर्फ विकेट्स, यस, ये आवाज जिस जनता ने गेस किया है, जवागल श्रीनाथ, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू फैन ऑफ 90s क्रिकेट। Thank you so much for sharing all your love on Stadium Stories. This is RJ Praveen signing off. Bye bye. Bajate raho. 95.5 Red FM. Bajate raho.